रिकॉलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स बाय माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले माइंड मैप सीरीज में हमने देखा था डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंसेस। ठीक है, अब बात जब क्रोमोसोम लेवल तक आ गई है, जीन लेवल तक आ गई है, तो हम देखेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए को कॉम्पैक्ट कैसे किया जाता है, उसकी सुपर कॉइलिंग कैसे होती है। तो ये जो 8 माइंड मैप सीरीज है, कॉन्सेप्ट मैप सीरीज है, इसमें डीएनए पैकेजिंग के अलग अलग सेगमेंट्स आएंगे। तो ये जो है, ये सेगमेंट जो है वो डीएनए पैकेजिंग का सेगमेंट 1 है, जिसमें हम न्यूक्लियोसोम्स के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम पीछे वाले डायग्राम को देखें तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये अगर कोई डीएनए है, ठीक है, कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये डीएनए थ्रेड्स, ठीक, तो न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसोम होता है हिस्टोन्स और डीएनए का एक कंबाइंड फॉर्म होता है। ठीक है, हिस्टोन और रैप्ड, उसके सराउंडिंग जो डीएनए रैप होती है उसको हम कंप्लीट फॉर्म में बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये इसको हम एक वन न्यूक्लियोसोम यूनिट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जब ये रैपिंग होती जाती है और बार बार रैपिंग होती जाती है तो डीएनए कुछ इस तरह दिखता है कि शुरू में डीएनए ऐसा है, एक सिंगल फाइबर लाइक है, ठीक है, हेलिकल फाइबर लाइक है। ठीक है, अब ये क्या है, अगर ये थोड़ा कंडेंस करेंगे, इसको थोड़ा कंडेंस करेंगे तो सपोज ये इतना छोटा हो गया और इसमें जगह जगह पे बीड्स दिख रही है, तो ये ऐसा हो गया कि ये माला है और बीच बीच में मोतियां, तो न्यूक्लियो तो हम क्या हो गए, उन मोतियों की तरह है। ठीक है, उन मोतियों पे क्या जो है वो कवर है, वाइंड है, वो है डीएनए। ठीक है, और इस तरह से ये इसका साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बीच में क्या है, हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन के ऑक्टोमर्स हैं, और उनके सराउंडिंग क्या है, डीएनए के फाइबर्स हैं, डीएनए के फाइबर्स हैं। ठीक है, और इस तरह से ये जो न्यूक्लियोसोम में सुपर कॉइल होता जाता है और अल्टीमेट स्ट्रक्चर जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये इस तरह की पैकेजिंग होती है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन्स की पैकेजिंग कैसे है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अराउंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर्स मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिंकर डीएनए भी ऐड होता है, जो हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंडिंग जो डीएनए होते हैं, जो कोर डीएनए होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो समथिंग 147 बेस पेयर्स होते हैं या 146-147, डिपेंड करता है, वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, और जो लिंकर डीएनए होता है उन सबको ऐड करके जो है वो अराउंड 200 बेस पेयर और प्लस हिस्टोन ऑक्टामर से बना होता है एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इसका 3D व्यू देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है, और अगर इसका 2D व्यू देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब एक एक न्यूक्लियोसोम्स जो बने होते हैं उसमें जो होता है एक कोर, हम देख चुके हैं कि डीएनए है रैप और हिस्टोन ऑक्टामर्स है। ठीक है, अभी हिस्टोन ऑक्टामर क्या होते हैं, डीएनए जिनके सराउंडिंग रैप होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं। उसके अलावा एक और हिस्टोन होता है जो लिंकर हिस्टोन बोला जाता है, जो लिंकर डीएनए से अटैच होता है। तो जो कोर हिस्टोन है जिनके सराउंडिंग डीएनए रैप होती है उनको कोर हिस्टोन बोला जाता है। तो कोर हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर है, ऑक्टामर हैं, किसके हैं, H2, चार तरह के हिस्टोन्स हैं, कौन से, H2A जो कोर हिस्टोन में है वो चार तरह के हिस्टोन है, अदरवाइज हिस्टोन जो है वो पांच तरह के, पहला है H1 जो कि लिंकर डीएनए में होता है। ठीक है, तो कोर हिस्टोन है H2A, H2B, H3 एंड H4, और सबके दो दो कॉपीज होते हैं। ठीक है, मतलब दो H2A होता है, दो H2B होता है, दो H3 होता है और दो H4 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो H2A हैं, दो H2B हैं, दो H3 हैं और दो H4 हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, लिंकर डीएनए होता है। लिंकर डीएनए से क्या अटैच होता है, लिंकर हिस्टोन, जिसको H1 हिस्टोन H1 भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एक एक वन सिंगल न्यूक्लियोसोम यूनिट हो गया, और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम यूनिट मिलके क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 10 तो
जो उसका जो रिजल्टिंग फाइबर जो होता है ऐसे 10 नैनोमीटर, उसका क्या होता है डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो अगर बात करें लिंकर डीएनए की, तो दो न्यूक्लियोसोम यूनिट्स के बीच में जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं, ठीक है, लिंकर डीएनए बोलते हैं, या डीएनए बिटवीन दो न्यूक्लियोस, अगर दो न्यूक्लियोस ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम को जो अटैच करता है वो लिंकर डीएनए होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो जो डीएनए है जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में है वो लिंकर डीएनए है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से कैसे भी बोल सकते हैं। तो जो कंप्लीट क्रोमोटीन सब यूनिट होती है, जो कंप्लीट क्रोमोटीन सब यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है न्यूक्लियोसोम कोर, ठीक है, उसके अलावा होगा लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए के अलावा होगा H1 हिस्टोन, ठीक है, H1 हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट क्रोमेटीन में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोसोम कोर्स होते हैं, लिंकर डीएनए होता है, H1 हिस्टोन होता है, और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो कोर है और हिस्टोन्स के जो कोर हिस्टोन्स हैं, इनके सराउंडिंग जो होता है डीएनए टाइटली रैप होता है, क्या होता है, टाइटली रैप होता है, और कितने टाइम रैप होता है, ये दो दो टर्न से कुछ कम, मतलब दो टर्न से कुछ कम रैप होता है, कितना होता है, 1. कहीं कहीं 1.65 मेंशन है और कहीं कहीं 1.67 मेंशन है, ठीक है। तो 1.67 टर्न जो होते हैं, ये पहला टर्न और फिर 0.65 टर्न, ठीक है, इतने टर्न जो होते हैं वो कोई डीएनए जो है एक हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया कोर डीएनए इज वन 1.6 टाइम अराउंड कोर हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि न्यूक्लियोसोम क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या है, डीएनए जो रैप कोर डीएनए है, और उसके साथ जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसका यूनिट है, कंप्लीट क्रोमेटीन सब यूनिट क्या है, उसमें न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए, H1 हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। कोर हिस्टोन कौन कौन से हैं, H2A, H2B, H3, H4, और इन सब के दो दो कॉपीज हैं, ठीक है। लिंकर डीएनए क्या है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए से एसोसिएटेड जो हिस्टोन है वो क्या है, H1 हिस्टोन है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है अराउंड हिस्टोन, कितने टाइम बाउंड होता है, 1.6 टाइम बाउंड होता है, ठीक है। तो ये समराइज हो गया आपको हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम्स के बारे में। अगले पार्ट में हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग पार्ट में कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं, हिस्टोन को वेलेंट मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं, ठीक है।